दोस्तों आप देख रहे हैं देश रंग द अनसीन इंडिया, देश दुनिया के अनमोल धरोहरों का किस्सा, धरोहर विरासत। दोस्तों और आज हम बात करेंगे इस कड़ी में राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के बारे में और उसके चमत्कार के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो किस गांव में स्थित है और यह गांव कैसे बना। दरअसल खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले का एक महत्वपूर्ण गांव है। यह खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। खाटू गांव की स्थापना राजा खटवांग ने की थी। आइए जानते हैं इसकी कहानी। दरअसल खटवा ने ही बभरुवाहन के बर्बरी कद के देवरे में बर्बरी के सिर के प्राण की प्रतिष्ठा करवाई थी। खाटू श्याम की स्थापना के विषय में अन्य मत प्रचलित है। कई विद्वान इसे महाभारत के पहले का मानते हैं तो कई इसे ईसा पूर्व के समय का मानते हैं। दरअसल यहाँ वह मंदिर वर्तमान में भी मौजूद है जहाँ बर्बरीक के सिर को दफनाया गया था। सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया खाटू श्याम जी का मंदिर आलीशान है। यह बहुत ही अद्भुत दिव्य धाम है। खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू में बना हुआ है। खाटू श्याम मंदिर जयपुर से उत्तर दिशा में वाया रिंगस होकर 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस श्याम मंदिर की आधारशिला 1720 में रखी गई थी। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। इस मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्जन भी किया था। खाटू श्याम मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की पूजा श्याम बाबा के रूप में की जाती है और इन्हीं को दुनिया भर में खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। दरअसल खाटू श्याम बर्बरीक के ही रूप हैं। श्री कृष्ण ने ही बर्बरीक को खाटू श्याम जी नाम दिया था। भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूज्य खाटू श्याम जी खाटू में विराजित हैं। द्वापर युग यानी कि महाभारत काल में वीर घटोत्कच और मौरवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसके बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण इनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक को वर्तमान में खाटू श्याम, कलयुग के अवतार श्याम सरकार, बाबा खाटू श्याम, शीश के दाने, हारे का सहारा अनगिनत नामों से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से भी जाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है, इसलिए तुम्हें लोग खाटू श्याम, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा इस नाम से प्रसिद्ध होगे। और उसके बाद से ही इन्हें हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाने लगा। देश दुनिया भर से लोग दूर दूर से इनके दर्शन के लिए यहाँ राजस्थान में आते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर मेला भी लगता है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। हर साल मेले में काफ़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। यह मेला सुदी दशमी के आरंभ और द्वादशी के अंत में लगता है। तो दोस्तों देश दुनिया की अनमोल धरोहरों का किस्सा जारी रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए देश रंग द अनसीन इंडिया।